हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टीएल टेक्निकल सॉल्यूशंस। आज की हमारी वीडियो स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड है। आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू इट नाउ एंड आल्सो सेट बेल नोटिफिकेशंस टू ऑल सो दैट यू विल बी एबल टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ वीडियो अपडेट्स। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है बाय पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। हमारे पास सीरियल नंबर दिए हुए हैं, देन मार्क्स इन इंग्लिश डिनोटेड बाय एक्स दिए हुए हैं, एंड नेक्स्ट कॉलम में मार्क्स इन हिंदी दिए हुए हैं। सिंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 8, सो एन इज इक्वल टू 8 एंड सम ऑफ स्कोर्स ऑफ एक्स सुमेशन एक्स इज इक्वल टू 112 एंड सुमेशन वाई इज इक्वल टू 157। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम सीरियल नंबर, मार्क्स इन इंग्लिश एंड मार्क्स इन हिंदी एज इट इज लिखेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम में हमने x का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट केस में हमारी वैल्यू 7 है, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, देन 9 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81, इसी तरह 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121, स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू 169, 15 इंटू 15 225, 17 इंटू 17 289, 19 into 19, 361, and 21 into 21, 441. Now, अब हम इन सारी values का sum calculate करेंगे. Summation x square, which is equal to 49 plus 81 plus 121 plus 169 plus 225 plus 289 plus 361 plus 441. This is equal to 1736। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम में हम y का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारी y वेरिएबल की 10 है, 10 इंटू 10 100, 20 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400, 22 इंटू 22 484, 25 इंटू 25 625, 24 इंटू 24 576, 23 इंटू 23 529, स्क्वायर ऑफ 12 इज इक्वल टू 144 एंड 21 इंटू 21 441। अब हम सुमेशन y स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। 100 प्लस 400 प्लस 484 प्लस 625 प्लस 576 प्लस 529 प्लस 144 प्लस 441, दिस इज इक्वल टू 3299। नेक्स्ट कॉलम में हमने वेरिएबल x और वेरिएबल y का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी x वेरिएबल की 7 है एंड y वेरिएबल की 10 है, सो 7 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 70। इसी तरह नेक्स्ट केस में 9 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 180, देन 11 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 242, 13 into 25 which is equal to 325, then 15 into 24 which is equal to 360, then 17 into 23 which is equal to 391, then 19 into 12 which is equal to 228, then 21 into 21 which is equal to 441. Now we are going to calculate summation xy. इसी कॉलम का हम सम कैलकुलेट करेंगे। 70 प्लस 180 प्लस 242 प्लस 325 प्लस 360 प्लस 391 प्लस 228 प्लस 441। जब हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 2237। नाउ अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे विच इज डिनोटेड बाय आर, एंड अब हम इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट एन, एन हमारा 8 है, तो 8 इंटू सुमेशन एक्स वाई 2237, 8 इंटू 2237 माइनस सुमेशन एक्स हमारा 112
into summation y 157 divided by root. तो यहां पे हमारा अगेन n 8 इंटू summation x square. Summation x square हमारा 1736 माइनस, अब हमारा होल स्क्वायर ऑफ summation x है, summation x 112 इसका होल स्क्वायर, देन 8 इंटू summation y square विच इज 3299 माइनस, नाउ summation y विच इज 157 इसका स्क्वायर. नाउ 8 इंटू 2237 इज इक्वल टू 17896 माइनस 112 इंटू 157 इज इक्वल टू 17584 डिवाइडेड बाय रूट 8 इंटू 1736 इज इक्वल टू 13888 माइनस स्क्वायर ऑफ 112 इज इक्वल टू 12544 इंटू 8 इंटू 3299 इज इक्वल टू 26392 माइनस स्क्वायर ऑफ 157 इज इक्वल टू 24649 दिस इज इक्वल टू 17896 माइनस 17584 विच इज इक्वल टू 312 डिवाइडेड बाय रूट 13888 माइनस 12544 विच इज इक्वल टू 1344 मल्टीप्लाइड बाय 26392 माइनस 24649 इज इक्वल टू 1743 दिस इज इक्वल टू 312 डिवाइडेड बाय रूट 1344 मल्टीप्लाइड बाय 1743 इज इक्वल टू 2342592 दिस इज इक्वल टू एन यूज कैलकुलेटर हियर तो रूट निकालने के बाद हमारी वैल्यू जो आती है 1530.55 दैट इज इक्वल टू 312 डिवाइडेड बाय 1530.55 इक्वल्स 0.20 तो 0.20 इज द आंसर हेंस वी कैन से देयर इज लो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स बिटवीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड बिटवीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी तो ये थी हमारी आज की वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग